चाणक्य आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है मानव विकास सूचकांक, जो हाल ही में जारी किया गया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने वर्ष 2021 की मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट जारी की है। इस सूची में यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड ने 0.962 HDI मान के साथ प्रथम स्थान हासिल किया है। वहीं भारत 191 देशों की इस सूची में 132वें स्थान पर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत का HDI मान 0.633 है। वर्ष 2020 में भारत इस सूची में 0.645 HDI मान के साथ 131वें स्थान पर था, यानी कि भारत का स्थान इस बार एक स्थान ऊपर चला गया है और मानव विकास में भारत के गिरावट आई है। भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति की अगर हम बात करें तो भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति इस UNDP रिपोर्ट में भारत से थोड़ी बेहतर है। इस सूची में श्रीलंका 73, चीन 79, भूटान 127 और बांग्लादेश 129 पोजीशन के साथ भारत से ऊपर है। वहीं पाकिस्तान 161वें, नेपाल 143वें और म्यांमार 149 रैंक के साथ स्थिति में थोड़ी खराब पोजीशन पे है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 90% देशों की रैंक में पिछली रैंक की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है, यानी कि 90% कंट्रीज ऐसी हैं जहां लास्ट ईयर के कंपैरिजन में गिरावट दर्ज हुई है। और इस गिरावट के पीछे वैश्विक महामारी COVID-19 और रूस यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा था उसको जिम्मेदार ठहराया गया है। HDI इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या है उस पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा विस्तार से, कि भारत को नवीनतम HDI मान 0.633 के आधार पर मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है। इसमें तीन श्रेणियां होती हैं, उच्च मानव विकास श्रेणी, मध्यम मानव विकास श्रेणी और निम्न मानव विकास श्रेणी। तो जो रैंक इंडिया को मिला है और जो पॉइंट्स इंडिया को मिले हैं उसके आधार पर भारत मध्यम विकास श्रेणी में आता है। भारत 191 देशों की इस सूची में 132वें स्थान पर है और भारत का मान जो है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि HDI मान 0.633 है। वर्ष 2020 में भारत इस सूची में 0.645 HDI मान के साथ 131वें स्थान पर था। भारत ने लैंगिक विकास सूचकांक में अपना स्थान 131वां बरकरार रखा है, यानी कि पिछले वर्ष भी यही स्थान था। भारत में महिला जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष से घटकर 68.8 ईयर हो गई है, यानी कि 2020 में भारत में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष थी, जो कि वर्ष 2021 में 68.8 ईयर हो गई है। एक औसत भारतीय महिला 2021 में इतने वर्ष जी है, 68.8 वर्ष जी है, तो इसमें गिरावट आई है। इस अवधि में महिलाओं के लिए स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष 12.6 से घटकर 11.9 वर्ष हो गया है। HDI में 2019 में 0.645 से 2021 में 0.633 तक की गिरावट भारत की गिरती जीवन प्रत्याशा को दर्शाता है, जो सर्वेक्षण अवधि के दौरान 69.7 वर्ष से 67.2 वर्ष हो गई है। ये 69.7 वर्ष और 67.2 वर्ष जो ये गिरावट है, ये समग्र रूप से महिला और पुरुषों दोनों को कैलकुलेट करके की गई है। सूची के पांच शीर्ष देशों की अगर हम बात करें तो पहला स्थान स्विट्जरलैंड का है और दूसरा नॉर्वे का, तीसरे स्थान पर आइसलैंड है, चौथे पे हांगकांग और पांचवें स्थान पर इसमें ऑस्ट्रेलिया आता है। भारत में ये जो रैंक में गिरावट हुई है उसका क्या कारण है? तो रिपोर्ट में भारत अपने पड़ोसी देशों की तुलना में काफ़ी पीछे है। इसके पीछे जीवन प्रत्याशा में गिरावट को जिम्मेदार बताया गया है। अब 2021 में कोविड भी था और भी मानसिक परेशानियों से भी लोग जूझ रहे थे, आर्थिक परेशानियों से भी जूझ रहे थे, तो इस वजह से भी जीवन प्रत्याशा में गिरावट आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में मानव विकास पिछले दो वर्षों में घटा है। अब कोविड के हालात में पिछले दो वर्ष में पूरे विश्व में ही ये घटा है तो भारत में भी घटा है।
यह गिरावट पिछले 5 वर्षों में भारत के विकास पर आधारित है। भारत में जीवन प्रत्याशा मान 69.7 से घटकर 67.2 वर्ष हो गया है। महिला और पुरुषों दोनों का समग्र औसत जो है वो घटा है, उसके अलावा महिलाओं का इंडिविजुअल भी घटा है। हाल ही की वैश्विक चुनौतियां जैसे कोरोना वायरस और रूस यूक्रेन युद्ध से उत्पन्न हुई परिस्थितियां भी इस गिरावट के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि भारत ने लैंगिक विकास सूचकांक में अपना स्थान 132वां बरकरार रखा है, पर 192 कंट्रीज में 132वां स्थान कोई बहुत अच्छा स्थान भी नहीं है, तो ये चिंता का विषय भी है। अब हम बात कर लेते हैं कि HDI क्या है, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। मानव विकास सूचकांक की परिकल्पना पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने की थी। पहला मानव विकास सूचकांक वर्ष 1990 में जारी किया गया था। इसकी गणना निम्नलिखित 4 संकेतकों का उपयोग करके की जाती है। पहला है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, दूसरा है स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, इसी के अंदर आता है तीसरा स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष। इन दोनों को आप समग्र रूप से एक भी मान सकते हैं, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष। और इसके बाद आता है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। इन सब को समग्र रूप से कैलकुलेट करके ये मानक तैयार किए जाते हैं और जिसी के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। तो मानव विकास सूचकांक के बारे में हमने लगभग सारी बातें कर ली हैं, तो आज का ये पूरा टॉपिक जो है यहीं पर कंप्लीट होता है। हम कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो से रिलेटेड PPT अगर आपको डाउनलोड करना हो तो आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।